हाय ऑल वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स सभी का स्वागत करता हूं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ रिक्रूटमेंट सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू दैट दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है कोई भी फील्ड से तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं इफ़ यू आर एन फ्रेशियर यू यू आर ओब्वियसली एलिजिबल यू कैन वॉच एंड दिस इज़ फॉर ऑल इंडिया पोस्ट एनी वेर इन द इंडिया यू कैन अप्लाई फॉर मेल एंड फीमेल एवरी वन इफ यू हैव डन एम टेक पोस्ट ग्रेजुएशन एम फिल रिसर्च एनी थिंग इन एनी फील्ड इन टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल एवरी वन कैन वॉच दिस वीडियो इसके लिए कोई एज क्वालिफिकेशन भी नहीं है अगर आपने एम टेक पी एच डी किया हुआ है तो देर इज़ नो बैरियर ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन एन ऑल सो एंडन if you have done plain uh, graduation then also you are eligible if you have done hr marketing mba administration then also you are applicable and there are some non teaching posts also like store purchase section officer all these things are there so i hope maine aapko kuch hints de diya to aap वीडियो को continue कर सकते हैं और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं बोल देना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो kindly subscribe, like, share.

मेकैनिकल विथ स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स वेल्डिंग एम कैट थ्री डी प्रोटोटैक्ट में क्या हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एनी स्पेशलाइजेशन इज़ ओके इफ़ यू अपड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और ई टी सी विथ स्पेशलाइजेशन इन वैल एस आई एम्बेड सिस्टम इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजन रिन्यूबल एनर्जी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव सो दीज थिंग्स कैन अपलाई इन प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर अगर आप रिसर्च प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस एनी फील्ड सिविल ई सी मैकेनिकल, फ़िजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जूलॉजी बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी एम बी ए इंग्लिस एंड एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च एसोसिएट के लिए देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन uh, है एजुकेशनल देन यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई फॉर दिस पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अगेन सी एस सी मैनेजमेंट एच आर एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड स्टडीज़ लाइक एग्रोनोमी हॉर्टिकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एंटामोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स तो ये सब फील्ड अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर टीचिंग असिस्टेंट अगर आप कंप्यूटर साइंस में आपने कुछ किया हुआ है बी तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल एम का इन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा है बट डिटेल्ड क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स आर बींग प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन पोर्टल आई विल शो यू ओके तो देर आर सम फ्रेशर्स पोस्ट ऑल्सो एंड देर आर सम एक्सपीरियंसड पोस्ट ऑल्सो

डेप्यू अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंट्स एंड एड एड ऑडिट असिस्टेंट अकाउंटेंट होटल मैनेजर सेक्शन ऑफिसर लीगल ऑफिसर एम आई एस एग्जीक्यूटि पी आर ओ परचेज ऑफिसर परचेज असिटेंट स्टोर असिसटेंट स्टूडेंट काउंसलर हार्डवेयर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क असिसटेंट वेब डेवलपर डेटा एंट्री ऑपरेटर सो बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है लॉट ऑफ अपॉपर्चुनिटीज टू अवेल एंड यू कैन डेफिनेटली फॉर दिस पोस्ट सो क्विफिकेशन एक्सपीरियंस यू कैन रेफर टू द लिंक दट इज रिक्रूटमेंट डॉ सी जी यू ओडिशा डॉट ए सी डॉट इन ऑब्वियसली विल भी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टू अपलाई एज रिक्वायर सो एलिजिबल कैंडिडेट्स अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट रिक्रूटमेंट डॉ सी जी यू ओडिशा डॉट ए सी डॉट इन एंड यू नी टू अपलाई विदिन सेवन डेज फ्रॉम द डट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट ओके सो एडवर्टीज़मेंट से सात दिन के अंदर आपको अपलाई करना है ये हाउ टू अप्लाई वॉट्स द एलिजिबिली ट्रेटर एंड ऑल विल डिस्कस फर्दर इन दीडियो सो इफ़ यू आर इन इन टू द ऑफिशियल वेबसाइट दिस लिंक विल भी ऑब्वियसली अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक ईयर सो रिक्रूटमेंट नोटिसेस ये आपका रिक्रूटमेंट निकला हुआ है दैन दिस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द न्यू एप्लीकेंट सो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर नाव पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है फिलहाल मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको दिखाने के लिए टेम हूँ तो यहाँ पे मैं अंदर ले चलता हूँ आपको देन विल लुक हाउ यू नीड टू अप्लाई करंट ओपनिंग्स ये आप देख सकते हैं जो भी ओपनिंग्स मैंने बताया यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको दिख जाएगा यू कैन सी द क्वालिफिकेशन आल्सो यू कैन क्लिक ऑन द अप्लाई टैब फॉर अपलाइंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट एंड इफ यू गो देन इफ यू गो टू द एप्लीकेशन प्रोसीजर देन एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको पता चल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है सो यू नीड टू क्रिएट ए अकाउंट आपको अकाउंट बनना है ई मेल मोबाइल नंबर देना है देन एप्लीकेंट लॉग इन करना है आपको लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो आपको जो सॉफ्ट कॉपी रखना है आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपी फॉर्मेट एंड ऑल्सो यू सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सिग्नेचर इन जी फॉर्मेट एंड रेस्पेक्टिव डायमेंशन यूनिट टू टेक केयर देन एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको पर्नल इन्फॉर्मेशन वगैरह देना है देन एडेमिक एंड इन्फो एंड एक्सपीरियंस समरी देना है देन यू नीट टू रिव्यू द फॉर्म अंडरटेकिंग डिक्लरेशन सबमि करना है देन यू नीट टू डाउनलोड द अप्लीकेशन फॉर्म अपलाई करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका एक्नोलेजमेंट फॉर्म रखना है और इसके बाद आपको क्या करना है यूनिट टू सेंड द अपलीकेशन फॉर्म एंड अदर डॉमेंट्स सो ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो जो आपको सेंड करना है बाई हार्ड कापी ओके सो so, एक मास्टर कॉपी शुड आपको कैरी करना है आपके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ आपको एक फोटो कॉपी लेके जाना तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हुए हैं फिलहाल मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा आप ये सब पढ़ सकते हैं जो, जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है और ये एड्रेस दिया हुआ है टू द रजिस्ट्रार सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा ये एड्रेस दिया हुआ यहाँ पर आप इसको हार्ड कॉपी कर सकते हैं ओके सो दिस इज़ अबाउट द पोस्ट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो सो डू लाइक शेयर द वीडियो टू ऑल ऑफ यूर फ्रेंड्स हु आर इन नीड ऑफ ए जॉब okay and uh, if you are new to the channel do subscribe the channel also so we'll meet in the next video till that time take care goodbye and jai hind